इन साथियों, भर्ती बोर्ड की तरफ से कई नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिनमें से एक नोटिस आपके लिए अभी अभी जारी किया गया है। ये आपके सभी ज़िले के कप्तानों के लिए जारी किया गया है। इसमें पेपर को कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इसकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध कराए जाएंगे और क्या क्या सुरक्षा बरती जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पेपर आपका पेपर के बारे में और पेपर की सुरक्षा के बारे में क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ये बता दूं साथियों आपको, ये 2244 वाली भर्ती का री एग्ज़ाम है, जो कि आपका 17-18 फरवरी को हुआ था और पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। और सरकार द्वारा बताया गया था कि 6 माह के अंदर इसको री एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये दिशा निर्देशों से पता चल रहा है कि आपका आगामी सप्ताह में परीक्षा होने वाली है। अब बात करते हैं कि क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ज़िले के लिए। ज़िले के सभी कप्तानों को ये भर्ती बोर्ड की चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें आपके पॉइंटों की बात करें क्या क्या लिखा है। तो भर्ती बोर्ड की री एग्ज़ाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोषागार में डबल लॉक सिस्टम है या नहीं, कोषागार की चाबी कम से कम दो अधिकारियों के पास होनी चाहिए अलग अलग, कोषागार की जो CCTV निगरानी है वो हो रही है कि नहीं, CCTV के एंट्री गेट और एग्जिट गेट पर CCTV लगे हुए हैं या नहीं, कोषागार की खिड़की दरवाजे सभी एकदम सुरक्षित हैं या नहीं, कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है, और कोषागार तक आने जाने के रास्तों पर CCTV कैमरे लगे हैं या नहीं। क्योंकि पिछली बार पेपर लीक होने के कारण अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। सरकार अब ऐसा नहीं चाहती है कि पेपर लीक हो, क्योंकि इन दिशा निर्देशों को जारी कर सुरक्षा को सख्त किया जा रहा है। साथियों, तो आपकी परीक्षा कब होगी, इन निर्देशों को देखते हुए साफ स्पष्ट हो रहा है कि आपकी आगामी सप्ताह में परीक्षा होने वाली है। तो साथियों, आप जुलाई मानकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और कोई भी इन्फॉर्मेशन नोटिस आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। साथियों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।